तो लास्ट सात दिन से मैं Redmi Note 13 Pro को एज अ मेन फोन यूज़ कर रहा हूँ आप सबको पता ही ये फोन 26,000 में लॉन्च हुआ है और आपको कार्ड लगाना पड़ेगा फिर ही जाके ही आपको 24,000 में मिलेगा तो क्या ये फोन ओवर प्राइज्ड है 24,000, 26,000 में आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए उस सब चीजों चीज़ें बात करेंगे बहुत सिंपल तरीके से पहली बार इस चैनल पर आए तो मेरा नाम है प्रॉबेट प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है देखो आपने अभी तक बहुत सारी अनबॉक्सिंग वीडियो देख ली होंगी आपको बॉक्स में सब कुछ मिलता है हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको अलग केस मिल रहा है वो सिलिकन क्वालिटी का है थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और ये पीड़ा नहीं पड़ेगा थोड़े टाइम पे तो ये देख के तो अच्छा लगा खैर डिज़ाइन की बात करें तो मेरे पास ये वाला कलर है जिसमें कैमरा मॉडल के आसपास आपको थोड़े से अलग अलग कलर्स मिलते हैं मेरे हिसाब से जो मार्बल वाला कलर ना वो ज्यादा अच्छा मिल रहा है उसमें यहाँ पे एक ऐसा पैटर्न है वो आप खरीद सकते हो ये वाला भी अच्छा है वैसे ये मैट फिनिश है तो गंदा वगैरह नहीं होता है और ये आपको बॉक्सी डिजाइन मिल रहा है फ्लैट एजेस है और एक चीज इन लोगों ने बहुत अच्छी की है पाँच हजार बैटरी के बावजूद भी डिजाइन में वेट को बहुत अच्छा ध्यान दिया है इसका वेट चेक करोगे आप तो वन ग्राम तक ही पहुंचेगा फोन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है तो ये चीज डिज़ाइन में इन लोगों ने काफी

कर दिया जिसके थ्रू आप हर ऐप के अंदर भी वन ट्वेंटी एट सिलेक्ट कर सकते हो तो ये ऑप्शन भी अच्छा लगा तो ओवरऑल डिस्प्ले की जिस तरीके से क्वालिटी है इवन क्वालिटी के अंदर भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। पे आपको ड्यू स्पीकर मिल रहे हैं देखो एक तो बॉटम में टॉप पे मिलता है बेस्ट पार्ट यहाँ पे हेडफोन जैक भी है और ये डॉलोस भी सपोर्ट करता है तो साउंड क्वालिटी ऐसी डिटेल्स भी मिलती है आपको पसंद आएगी इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है

अगर ये प्रॉमिस निभा देते तो आपको सॉफ्टवेयर अच्छा मिल जाएगा खैर अभी तक तो आपको ये वीडियो भी अच्छी लग रही है तो हमें भी आप सपोर्ट कर सकते हो थोड़ा सा लाइक एंड शेयर कर देना इससे हम चल जाएंगे खैर अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहां पर प्रोसेसर जो यूज किया है वो नया प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का सेवन एस जैन टू और यहाँ पर एलपीडी और फोर एक्स रैम और यू एफ टू पॉइंट टू की स्टोरेज है पहले आप स्कोर्स देख लो स्कोर्स आपको अच्छे मिलते हैं इवन स्टोरेज स्पीड्स भी आप ध्यान से देखो रीड स्पीड जो है एक जी बी के क्लोज पहुंच रही है अब आपको मैं ऐप ओपनी दिखा देता हूं बैकग्राउंड से मैंने सब कुछ क्लोज कर दिया है एक एक करके ऐप ओपन कर रहा हूं जो कि जल्दी खुल जाते हैं और जितने भी स्मॉल एप्स मैंने खोले हैं। वो लगभग सबके सब रैम में भी रहते हैं लेकिन जो फोन में टेस्ट कर रहा हूँ वो 12GB रैम वाला वेरिएंट है और इसके अंदर तो परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं है परफॉर्मेंस एक नंबर मिल रही है फोन एक बार भी नहीं अटका इवन मैंने बीज में भी ट्राई किया था बेस्ट पार्ट है ये प्रोसेसर आपको एच डी आर एक्सट्रीम का भी सपोर्ट देता है उसमें मैं आपको कहूंगा कि ना खेलो स्मूथ प्लस एक्सट्रीम में खेलना स्मूथ प्लस एक्सट्रीम में बहुत अच्छी स्टेबल आपको गेमिंग करवा रहा है इवन जेरो प्लेयर हो जायरो की परफॉर्मेंस भी नेक्स्ट लेवल है बिल्कुल आपको डिले नहीं मिलता और हाँ स्नैपड्रैगन प्रोसेसर का आपको फायदा तो मिलता है कि फोन बहुत ज्यादा ओवर हीट नहीं करता है वैसे भी ठंडिया चल रही हैं अभी तक एक भी बार ये ओवरहीट वगैरह तो नहीं किया जितनी मैंने टेस्ट किया है लेकिन फिर भी मैंने तीन बार लगातार सीप्यू थोड़ा टेस्ट किया एक बार भी इसका ग्राफ येलो या रेड में नहीं गया तो इसके थर्मल्स बहुत अच्छे काफी स्टेबल

अच्छी लाइट कंडीशन में यूज़ करोगे तो वहाँ तो डिटेल्स मिलेंगी इवन लो लाइट के अंदर भी यूज़ करते हो तो काफ़ी क्लीन इमेजेस हैं काफ़ी ब्राइट इमेजेस हैं नॉइज़ वहाँ पे आपको नहीं मिलती और कलर स्पेशली आपको बहुत ही अच्छे मिलते हैं फिर यहां पे इन लोगों ने एक ऐसा मोड दिया है जिससे आप 2x और 4x में भी जूम कर सकते हो ये सिर्फ नॉर्मल में काम करता है पोर्ट्रेट के अंदर नहीं लेकिन पहले मैं आपको कुछ फोटोज दिखा देता हूं 1x वाली 2x वाली और फिर आप देखो 4x वाली इसके अंदर आप जूम करके देखो 4x के अंदर भी आपको डिटेल मिलती है तो हाँ यहां तक तो यार टू हंड्रेड एम पी एकदम मस्त काम कर रहा है छब्बीस हजार के अंदर भी कैमरा आपको अच्छा और जस्टिफाइड मिल जाएगा लेकिन एक कमी आ जाती है वो है पोर्ट्रेट शॉर्ट्स के अंदर यहाँ पे जब भी मैंने पोर्ट्रेट शॉर्ट्स खींचे एच डी आर एक्सपोजर जिसे कहते हो या लाइट कंट्रोल जिसे कहते हो वो इस कैमरे का आपको खराब मिलता है उसमें आपको लाइट कंट्रोल अच्छी नहीं मिलती है, डिटेल्स गायब हो जाती हैं, बैकग्राउंड गायब हो जाता है सिर्फ पोर्ट्रेट शॉट्स नहीं काम कर रहे हैं और ए की कहानी आपको पता ही है अल्ट्रावाइड है यूजेबल तो भी है लेकिन वही बात होती है ना कि ज्यादा एरिया कवर करता है तो ए में आपको डिटेल्स तो मिलेंगे नहीं खैर आप मेन कैमरे से वीडियो बनाते हो तो फोर के का सपोर्ट है यहाँ पे ओ अच्छी तरीके से काम कर रहा है काफी स्टेबल फुटेज बन रही है एंड वीडियो इससे बना सकते हो तो हाँ पोर्ट्रेट शॉट्स थोड़ा सा बेहतर हो सकता था अब सिक्सटीन एमपी का जो सेल्फी कैमरा आपको फ्रंट में दिया अच्छा है पोर्ट्रेट शॉट्स के, अच्छा अच्छा के अंदर भी आपको लाइट कंट्रोल बहुत अच्छा मिलता है वहां तो दिन के अंदर जिस तरीके से सेल्फी कैमरा काम कर रहा है आपको पसंद आने वाला है लेकिन लो लाइट के अंदर ये फोन मैंने जब टेस्ट किया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं कोई और ही फोन टेस्ट कर रहा हूँ लो लाइट के अंदर डिटेल्स एकदम गायब हो जाती है बहुत ज्यादा नॉइज आती है एकदम फेड हो जाते हैं मुझे भी हैरानी हुई कि यार दिन में इतना अच्छा काम कर रहा है तो ये क्या चक्कर है मैंने फिर दूसरे दिन फिर टेस्ट किया और ये चीज नोटिस की नाइट मोड के अंदर ज्यादा नॉइज आ रही है अगर बिना नाइट मोड के फोटो खींचते हो तो थोड़ी सी बेटर हो जाती है लेकिन ये चीज जरूर कहूंगा कि यार दिन के अंदर ये फोन अलग ही काम कर रहा है रात के अंदर बिना नाइट मोड वाली फोटो भी इतनी यूजेबल नहीं और इवन वीडियो के अंदर भी वैसे तो टेन एटीपी सिक्सटी का सपोर्ट आपको मिलता है लेकिन वहां पर स्टेबिलिटी नहीं है और उतनी डिटेल आपको फील नहीं होती वीडियो क्वालिटी सेल्फी कैमरे से इतनी कुछ खास नहीं बन रही है सारी फोटोज वैसे मैंने गूगल ड्राइव में सेव कर दी है आप खुद

यहां पे एच कार्ड का ऑप्शन नहीं है लेकिन कॉल क्वालिटी भी इसकी एकदम अच्छी रही दो माइक दिए गए हैं एक ऊपर है एक नीचे है कॉल क्वालिटी में कोई टेंशन नहीं है प्रॉक्सिमिटी सेंसर के अंदर जरूर है यहाँ पे कोई डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपको नहीं मिलता तो इस चीज़ को टेस्ट करोगे अगर आप हाथ वगैरह से ढकोगे इस फोन को तो ये फोन बंद नहीं होता है या छोटी मोशन करोगे तब ये फोन बंद नहीं होता है लेकिन जब मैंने हल्की सी बड़ी मोशन करके टेस्ट किया तो हर बार वो बंद कर रहा है मैंने तीन चार बार लगातार ट्राई किया उसमें कोई दिक्कत नहीं आई तो ये रेडमी वाले कई बार करते हैं कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर ही हटा देते हैं लेकिन अगर आप छोटी सी भी मोशन कर रहे हो तो वो हर बार बंद हो रहा है लेकिन आई थिंक रेडमी वाले को ये देना चाहिए छोटी सी चीज़ है और ये कॉल एक्सपीरियंस इंप्रूव कर देती है अब बैटरी के अंदर बात करें तो यहाँ पे पाँच हजार की बैटरी है और सिक्स सेवन वोट का आपको चार्जर मिलता है अब सीधे मैं आपको लेके जाता हूँ बैटरी स्टेट पे स्क्रीन ऑन टाइम आप देखो फाइव जी के साथ भी गेमिंग के साथ भी यहाँ पे सात घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम है बैटरी लाइफ बहुत अच्छी आपको मिलने वाली है इवन आइडियल ट्रेन की भी आप टेंशन मत लेना तो अगर आप रात को फाइव नेट ऑन करके भी छोड़ दोगे सेवेंटी आपकी बैटरी होगी सुबह जब उठोगे तो आपको सेवेंटी की बैटरी मिलेगी यानी आठ परसेंट का आइडियल ट्रेन और अगर आप नेट ऑफ करके सोगे थर्टी सेवन परसेंट पे सुबह जब उठोगे तो बैटरी थर्टी फोर परसेंट होगी यानी सिर्फ थ्री परसेंट का आइडियल ट्रेन तो बैटरी लाइफ ऑप्टिमाइज्ड भी है और बैटरी लाइफ आपको अच्छी भी मिल रही है

मिल जाता है लेकिन अगर आपको ये छब्बीस हजार में लेना पड़ता है तो जितने भी नेगेटिव मैंने आपको लिख के दिए वो सब आप ध्यान में रखना होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो मैं ऐसी सिंपल वीडियोस बनाता हूं स्ट्रेट तो टू द पॉइंट नेगेटिव पॉजिटिव एकदम क्लियर लिख के बता देता हूं आप लोगों को तो ऐसी वीडियोस अगर आपको और देखनी है तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा सब्सक्राइब कर दो वीडियो अच्छी लगी है लाइक एंड शेयर करना अपने दोस्तों पड़ोसियों के साथ कोई सवाल रहेगा इस फोन को लेकर तो कमेंट सेक्शन में पूछना मैं पक्का ट्राई करूंगा आपका रिप्लाई करने का मिलते हैं आप लोग अगली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑफ फॉर ऑल